हेलो फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? बढ़िया। आज क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड, वर्ण विचार, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। व्याकरण में क्या है? वर्ण विचार। सेकंड पेज नंबर है, सेकंड चैप्टर पार्ट है हमारा। ठीक है, वर्ण विचार क्या होते हैं? बोलते अथवा लिखते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों से शब्द बनते हैं, शब्दों से ध्वनियां बनती हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण जैसे मेज, तोता और मछली, फिश। ओके, फिर ये सभी शब्द कई ध्वनि वर्णों से मिलकर बना है। जैसे कि मेज, कई इसमें वर्ण मिले हैं तब जाके ये बना है। जैसे कि एक बार बता देती हूँ, मेज ये हमारा मेज आपकी बुक में क्लियर दे रखा है। ठीक है, म, ठीक, फिर प्लस ए प्लस ज, ठीक है, प्लस अ, क्या हो गया? मेज। क्या हो गया? ये मेज बन गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से भी जैसे तोता है, मछली है, उसका भी ऐसे ही वर्ण निकले हैं सारे। ठीक है, अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण मैंने शायद आपको कभी भी बताया था ना? क्या बताया था? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े, क्या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। फिर इसके आगे वर्णों के भेद बताइए। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। अब देखते हैं वर्णों के भेद। बुक आपने ओपन कर रखी है ना? गुड। तो अब देखिए वर्णों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, लिखते हैं वर्णों के भेद। दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट
और सेकंड व्यंजन। ये हमारे वर्णों के प्रकार हो गए, दो प्रकार होते हैं स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर का क्या है, स्वर जिन वर्णों को बोलते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसको स्वर कहते हैं। हिंदी वर्ण वाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11। अब कौन से होते हैं 11 स्वर बताएंगे आपको। देखिए सबसे फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी कि स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों को बोलते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं उसे स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जिन
स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर चार है, आ ई ऊ तथा ऋषि। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में सात है, आ ई ऊ ए ए ओ तथा औ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे ये तो मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब इसके आगे देखिए हमें क्या करना है, स्वरों के भेद देखते हैं। स्वरों के भेद कितने होते हैं, दो। स्वरों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चों, कौन चलिए। ओके,